रूस में पहुंचे भारतीय सेना के 200 जवानों ने अपने दमखम का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ये जवान 17 देशों की सेनाओं के साथ मिलकर के झपड़ 2021 युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। रूस अपनी ताकत का दुनिया के सामने प्रदर्शन करने के लिए ये एक व्यापक युद्धाभ्यास कर रहा है। आइए जानते हैं क्या है झपड़ 2021 और किस तरीके से भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान के सामने अपने दमखम का प्रदर्शन कर रही है। रूस के नोवगोरोड इलाके में भारत समेत 17 देशों की सेनाएं बमों की बारिश करने में जुट गई हैं। हर तरफ बस बारूद ही बारूद नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि धरती कांप रही है और दुश्मन के कलेजे पर दहशत साफ देखी जा रही है। दरअसल रूस इन दिनों झपड़ 2021 युद्धाभ्यास चला रहा है। इसमें भारत समेत 17 देशों की सेनाएं अपने दमखम का प्रदर्शन कर रही हैं। एक तरफ रूसी सेना अपने अत्याधुनिक हथियारों से दुनिया के सामने ताकत का प्रदर्शन कर रही है, वहीं भारतीय सेना के नगा रेजिमेंट के जवान दुश्मन को धूल चटाने के लिए एक से बढ़कर एक कर्तव्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस जपड़ अभ्यास की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसे देखने पहुंचे हैं। भारतीय सैनिकों के दमदार प्रदर्शन के बीच चीन और पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौट रहा है। वे इसे देखकर केवल संतोष करने के लिए मजबूर हैं। 3 सितंबर से 16 सितंबर तक चलने वाले झपड़ 2021 युद्धाभ्यास में भारत, बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान समेत यूरेशिया और दक्षिण एशिया के 17 देशों के सैनिक अपने युद्ध कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारतीय सेना ने अपने नगा रेजिमेंट के 200 जवानों को रूस भेजा है। इसके अलावा मैकेनाइज इन्फेंट्री और भारतीय वायुसेना के कमांडो भी झपड़ युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय सैनिक जहां रूस और अन्य देशों की सेनाओं के साथ बारूद बरसा रहे हैं, वहीं चीन और पाकिस्तान के अधिकारी बस टकटकी लगाए इसे देखने को मजबूर हैं। रूस ने कहा है कि इस झपड़ 2021 अभ्यास का मकसद आतंकियों का खात्मा करना है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका उद्देश्य अमेरिका को संदेश देना भी है। रूस के निशाने पर अमेरिका है, जो उसका सबसे बड़ा शत्रु है। इस युद्धाभ्यास में करीब 2,00,000 सैन्यकर्मी हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास से नाटो और अमेरिकी सेना के भी कान खड़े हो गए हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।